नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मालदीव अंडर थ्रेट फ्रॉम भारत, रिजवान सर की वीडियो है। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू। साथियों, सिलसिला जो शुरू हुआ था वो ये शुरू हुआ था कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए। मैं उसी मुद्दे से आज आगे बढ़ूंगा। मालदीव के तीन सम्मानजनक मंत्रियों ने उसमें उनके वहां जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, लक्षद्वीप पर भी करी और प्रधानमंत्री पर भी करी, और उसके बाद सारा घटनाक्रम आप लोगों को मालूम है। लग रहा था ये मुद्दा यहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है ये मुद्दा यहां खत्म नहीं हो रहा है, मुद्दा यहां से शुरू हो रहा है। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, भारत के भविष्य के हिसाब से हिंद महासागर में हमेशा बोलता हूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो वाटरवेज और इकोनॉमी की वजह से होगी। तो अब जो हाल में डेवलपमेंट हुआ है, जब मोहम्मद मैजू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, जो वो चाइना के दौरे पर गए और वहां जाके उन्होंने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। और हमें तो यकीन है और ऐसा है भी कि भारत अपनी कमर तो कसी रहा है हिंद महासागर में, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति के बयान के इस बात मामला ऐसा लग रहा है कि पानी अब सर पर आ रहा है और आने वाले इस वक्त में हिंद महासागर में बहुत तनाव भारत और चाइना के बीच में देखने को मिलेगा। और उसकी तैयारी भारत कैसे कर रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने बताया, हम लोग सोच रहे थे ये तीन मंत्रियों ने कुछ बकवास कर दी है, सेटलमेंट हो जाएगा, एक आपसदारी का मैटर है, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर अब नजर आ रहा है और भविष्य को लेकर तो बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। हुआ यह कि मालदीव्स के राष्ट्रपति साहब इसी विवाद के बीच में मोहम्मद मौजू गए चाइना। चाइना जाकर उन्होंने जो बयान दिया ये चौंकाने वाला है भारत के लिए। उन्होंने जो बात भारत को लेके बोली, शायद किसी भी अड़ोसी पड़ोसी ने आज तक इस तरह की बात ना बोली हो। उन्होंने जाके बोला कि भारत के इन्फ्लुएंस के चलते, प्रभाव के चलते मालदीव्स की जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है। यानी मोटा मोटा मालदीव्स भारत को लेकर, अस्तित्व मालदीव्स का खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्टेट का जो साक के भी मेंबर हैं वगैरह वगैरह वो इस तरीके की बात बोले। और इस पर चाइना ने मौके का चौका लगाते हुए कहा कि चाइना किसी भी तरीके से मालदीव्स में कोई भी इंडिया का या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू। 20 प्रोजेक्ट छोटे बड़े मिला के इनके वहां पर साइन हुए हैं। जब इस चीज को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं तो 3-4 दिन पहले आप लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत सरकार ने लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट को सैंक्शन कर दिया है आइलैंड्स पर। इनको वहां की भाषा में मेलुकु आइलैंड्स भी बोला जाता है। बड़ी साधारण सी बात है, दिमाग में यही आया होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो जब हम लक्षद्वीप के मैप को देख रहे थे और कुछ अपनी बुद्धि लगा रहे थे तो यार हमने देखा ये जो आइलैंड है ये तो अभी जो वहां पर एयरपोर्ट है वो अगाटी पर है और वहीं पर ज्यादा कंसंट्रेशन है सारे आइलैंड्स का। जो ये मेकोनी ये मेन एक तरह से जो मेन एरिया है लक्षद्वीप का, जहां पे लगभग सारे मेन आइलैंड्स हैं, उससे बहुत दूर है दक्षिण में। फिर गूगल करा तो ये पता चला ये लगभग 300 किलोमीटर दूर है लक्षद्वीप से, 300 किलोमीटर, और कोची से लगभग 400 किलोमीटर है लक्षद्वीप। तो ये एक तरह से ट्रायंगल बना रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो हमने कहा गुरु ये बात तो समझ में नहीं आ रही, यहां आइलैंड का क्या मतलब है, क्योंकि वहां पर स्टीमर चलती हैं। अगर यहां पर क्राउड जाएगा, टूरिस्ट जाएगा, तो वो तो एक सीमित होकर जाएगा मैकनी आइलैंड में, या फिर इसके बाद वो स्टीमर से या सी प्लेन से या छोटे प्लेन से मेन आइलैंड में जाए टूरिज्म के लिए।
तो हमने कहा भाई रिजवान अहमद ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हम भी थोड़ी तहकीकात में लग गए। तो आप लोग जो ये लोकेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा जब डिटेल में पढ़ा तो पता चला ये मिलिट्री बेस भी बनेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी मिलिट्री के उतरेंगे, ये नेवल बेस भी बनेगा। ओहो हो हो, दाल में काला है, मोदी जी ने बैटिंग शुरू कर दी है, फील्डिंग शुरू कर दी है। तो भैया कहा जा रहा है ये सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट होगा और इतनी दूर, तो भैया मोदी जी ने बैटिंग शुरू कर दी है, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों बैटिंग शुरू कर दी है? जब आप चाइना का 20 साल पुराना प्रोजेक्ट देखेंगे, कौन सा? द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, कि कैसे वो छोटे छोटे राज्यों को, देशों को पहले सस्ता लोन देकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपना गुलाम बना रहा है, जैसे म्यांमार हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे फिर पाकिस्तान हो गया। इसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, भारत की चौतरफा घेराबंदी। तो साहब जो मैप में मैंने देखा, मैंने कहा ओहो मोदी जी ये शॉट लगा रहे हैं। तो साहब इस तरफ चाइना की इकोनॉमी को जो थ्रू द सीवे होती है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के दम पर भारत चाइना को किसी आपात स्थिति में चोक कर सकता है भारत की इकोनॉमी। जब पढ़ते पढ़ते मैं एक रिपोर्ट तक पहुंचा, वो रिपोर्ट के पहले कुछ आप लोगों को अंश पढ़ के बता दूं तो आप लोगों को बात समझ आएगी, थोड़ा बहुत हिंदी में अनुवाद भी करता रहूंगा। कि कंप्राइजिंग 572 आइलैंड स्ट्रेचिंग ओवर एन एरिया ऑफ 450 नॉटिकल माइल्स विद ए टोटल ऑफ 24 पोर्ट्स, ANI अज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन न्यू दिल्ली'स इंडियन ओशन रीजन स्ट्रेटजी। Additionally, it helps India to counter China's string of pearls. The northernmost point of the island chain is merely 22 nautical miles from Myanmar, and the southernmost point is only 90 nautical miles from Indonesia. Nearly 70,000 out of 120,000 ships sailing through the Indian Ocean pass through the Strait of Malacca. The strait is the heartbeat of China's operation as 80% of its oil supplies pass through the strait. ये आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन से 70,000 अगर ships निकलती है, 1,20,000 अगर ships निकलती हैं, तो 70,000 इसी स्ट्रेट के बीच से निकलती हैं। चाइना तक जो भी ship पहुंचती है वो इंडियन ओशन होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलाका होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए चाइना तक पहुंचती है, और 80% उसकी गैस एंड एनर्जी जो चाइना तक पहुंचती है वो इसी रास्ते से पहुंचती है। In case of an escalating conflict, New Delhi can simply alienate the region. Andaman Nicobar Island region में जो 2022 से लेकर जो नेवल एंड एयरफोर्स बेस तैयार किया जा रहा है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ होता है तो इस पोर्शन को भारतीय वायुसेना और नौसेना ब्लॉक कर सकती है। चाइनाज हाइड्रोकार्बन सप्लाई फ्रॉम द मिडिल ईस्ट में कम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट। Long story short, controlling ANIs essentially means controlling China's economy. तो 2022 के बाद भारत ने अंडमान निकोबार में अपना नौसेना और वायुसेना यहां पर जमावड़ा बढ़ाना शुरू किया। और जैसा आप लोग मैप में देख रहे हैं कि भैया तुम्हारे लिए तो दूर है, हमारे लिए तो बगल में है, कब तक हमसे इधर लड़ोगे? तुम्हारी सारी शिप्स यहां से निकल के जाती हैं, तुम अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाओ, हम अपना उसका तोड़ निकालते हैं। तो ये था एक तोड़ तुम्हारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, एक बॉटल ने क्या एक गांठ, जो मिकान पर भारत ने नेवल बेस और एयरफोर्स बेस की घोषणा कर दी है। साथ में यह भी बोल दिया है कि यह सिविलियंस के लिए भी होगा, ना सिविलियंस अगाटी पर ही उतरेंगे, क्योंकि सिविलियंस अगर यहां उतर गए तो प्रभु वो मेन लैंड लक्षद्वीप तक, जहां मेन आइलैंड से लक्षद्वीप तक, वहां तक 300 माइल की जर्नी कैसे करेंगे?
और ये बनेगी चाइना की दूसरी गांठ। दो बैरियर इंडियन ओशन के, एक बनने जा रहा है आइलैंड लक्षद्वीप और एक लगभग बन चुका है अंडमान और निकोबार। तुम इधर से निकलोगे तो उधर फंसोगे, उधर से निकलोगे तो इधर फंसोगे, और इधर से उधर जाने के लिए तुम्हें दो दो भारत की मोर्चाबंदी, एक अंडमान निकोबार पर, एक लक्षद्वीप पर, नेवल एंड एयरफोर्स तुम्हें पार करनी पड़ेंगी। तो ये है कहानी उस छोटी सी रिपोर्ट की कि भारत ने टूरिस्ट का दबाव बढ़ने से या लक्षद्वीप के विकास के चलते आइलैंड्स पर एक एयरपोर्ट बनाना सुनिश्चित किया है जहां पर ट्रांसपोर्ट मिलिट्री प्लेन, आर्मी प्लेन्स, एयरफोर्स प्लेन्स, जहां पर सिविलियन प्लेन और जहां पर फाइटर जेट्स भी उतरेंगे, और यहीं पर बनेगा, देखिएगा आप जाके, नेवल बेस। जैसे नॉर्थ में सड़कें बना बनाकर भारत अब बिल्कुल चाइना तक पहुंच गया है, जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसकी काट पहले 2021 से जो प्लान करी गई वो अंडमान निकोबार में करी गई, और 7 दिन पहले जो प्लान करी गई वो लक्षद्वीप के से करी गई। दो दो जगह भारत की इंडियन ओशन में मोर्चाबंदी होने जा रही है। जय हिंद जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था रिजवान सर का, मालदीव अंडर थ्रेट फ्रॉम भारत, और बात हो रही थी जो पिछले दिनों लक्षद्वीप, मालदीव, उस पर चर्चाएं, बाइकाट हो गया, और बाइकाट के चलते उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो फारिग हुए, उससे भी उन्होंने माफ़ी शाफी भी मांग ली, आगे भी मामला चले, लेकिन मामला इससे भी परे हैं, ये रिजवान सर बता रहे थे इस वीडियो में। और वो क्यों परे हैं इससे भी, कि इसके पीछे लड़ाई और है, और बैक पे चाइना है, और चाइना इंडिया का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पूरे इस खित्ते में उसको कम करना चाहता है, और चाइना अपनी जो रोब और दबदबा खास करके इन छोटे छोटे ममालिक में वो कायम रखना चाहता है, और चाइना पर ही सब निर्भर रहें वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता है। चाइना प्रो गवर्नमेंट आते ही, अब जब वो चाइना में गए हैं तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो एंटी भारत बयान दिया है मीजो ने, तो ये चीज़ इस बात को क्लियर करता है कि इसके पीछे मुद्दा क्या था, क्यों उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने बयान दिए इस तरह के, क्यों उन्होंने अपनी मुहिम इस चलाई आउट इंडिया फ्रॉम मालदीव्स। अब इंडिया आउट हो गया है तो अब चीखें निकलना भी शुरू हो गई हैं, तो अब चाइना से जो गुहार लगाई है उन्होंने कि भाई आइए आप लोग, अब टूरिज्म यहाँ पे फैलाइए, अब चाइना के लोग जाते हैं नहीं जाते, वहाँ पे क्या सीन बनता है नहीं बनता, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये रिजवान सर की बात बिल्कुल वैलिड है कि ये पानी की लड़ाई होगी और आने वाले समय में होगी, और लोग इकॉनमी और पानी की ज़रूरियात पर जंगें करेंगे, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी अब अगर कहीं जंग हो सकती है वो पानी के तनाज़े पर ही होगी, क्योंकि पानी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरतों के मुताबिक ख़त्म होता जा रहा है, और ज़रूरतें इंसान की बढ़ती जा रही हैं, और इसी हिसाब से सब एक दूसरे को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और ये जो बयान उन्होंने दिया है जाके कि भारत का इन्फ्लुएंस कम करना चाहिए, वो जो खुद मुख्तारी है मालदीव की उसके लिए भी ख़तरा है, हालाँकि बहुत थोड़े से जो सोल्जर थे इंडिया के वो खुद उन्हीं के ही रिक्वेस्ट पे ही वहाँ पे तैनात थे, और जो भी बैरी बेड़े थे उनके प्रोटेक्ट करने के लिए उनके तजारती काफलों को वो वहाँ पे मौजूद थे, वो अब निकल गए हैं वहाँ से खुद। एक टाइम पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमें ख़तरा है यहाँ पे दहशतगर्दी का, आप आइए हमें बचाइए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, अब एक दूसरी पार्टी आती है वो उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट चली जाती है कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, हमारी खुद मुख्तारी को ख़तरा है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं कि सियासत नाम ही इसी चीज़ का है, यहाँ पे देशों की जो मुफादात हैं उनको भी एक साइड पे रख दिया जाता है और अपना मुफाद सबसे अजीज तर हो जाता है। यही हमने पाकिस्तान में भी देखा है, यही एक मुस्लिम देश मालदीव भी कर रहा है, तो बड़े ही अफसोस की बात है। बिल्कुल, ये अब चीज़ देखें कि आप खाने से लेके अद्वियात तक, पानी तक जो है आपको इंडिया फराहम करे, आपको प्रोटेक्ट इंडिया करे, आप इंडिया की आर्मी को कहो भाई हमें प्रोटेक्ट करें, तो बाद में पता नहीं ऐसा क्या बलबला आ जाता है, ऐसी क्या बात हो जाती है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, नए प्रधानमंत्री आते हैं, नई सारी एस्टेब्लिशमेंट होती है उनकी, वो आके यही कहते हैं कि भाई हमें इंडिया की आर्मी से खतरा है,
ये हमारे डिफेंस को खतरा है यार, जो आपको डिफेंस कर रहे हैं उन्हीं से आपको खतरा है। सिर्फ क्या है कि आपने चाइना से चार जो है वो दमड़ियां वो ठगनी है, बस ये बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने मुल्क को देखें कि आपके मुल्क को कौन, किस मुल्क के साथ आपके रिलेशन जो हैं वो अच्छे हैं, और वो कौन सा मुल्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सा मुल्क आपको सहूलियात दे रहा है, कौन सा वो देखो। टूरिज्म अब सबसे ज़्यादा जो है वो आपको इंडिया से आ रहा है, तो अब चाइना वालों को मेरे ख्याल से ये तो रिवाज ही नहीं है कहीं जाके सैर तफरी करना कहीं जाना। तो ये का रिवाज है या नहीं यार, देखिए हम एक तरफ से सारा कुछ देख रहे हैं, एक तरफ से हम बयान देख रहे हैं। तो अगर वो देखे वहाँ पे वो गवर्नमेंट है, अब देखिए एक पार्टी आती है वो, अब देखिए वो इंडिया के साथ रहती है हमेशा, वहाँ पे पहला विजिट वहाँ पे करती है। दूसरी पार्टी आई है तो उसने अपना रुख चेंज किया है, अब उन्होंने अपनी को स्ट्रेटजी देखी होगी। अब उनको जो है ना, अब देखिए वहाँ पे अवाम में से जो है ना वो बहुत सारी आवाजें उनके खिलाफ उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो जाके इस अपनी बयानबाजी पे खड़े हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो आलमी मुद्दा होगा, वो अपने तल्लुकात रखना चाहते हैं उनके साथ। अब चीज़ है, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो अब उनको भी तो नज़र आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहा है कि उनकी जो है ना मुशियत ख़राब हो रही है, सारा कुछ रुक रहा है, तो उनको भी नज़र आ रहा है, उनकी आवाम को भी नज़र आ रहा है। हमें नजर नहीं नजर आता है, हम भी तो उसके ऊपर बात करते हैं ना, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये देखिए कि वहाँ पे आप ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे वहाँ पे तो जो है ना जो इदारे हैं वजीर आजम है या सदर है उनके अंडर ही है ना, वहाँ के आर्मी तो नहीं है ना, यहाँ पे हमारा तो सिलसिला ही और है ना, यहाँ पे तो ताकत का मेंबर कहीं और है और बाकी पुलिसियां कहीं और है। तो चीज ये है कि वहां पे अगर वो सारा कुछ कर रहे हैं तो उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। वो अगर वहां पे सदर हैं, उनको अवाम ने मुंतखब किया है, तो अब वो अपनी पॉलिसियां बना रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखिए कि आलमी सतह की ये जंग है, हर मुल्क जो है ना अपने असर रसूख बढ़ाने के लिए अपनी चीजें इस्तेमाल करता है, अपनी पॉलिसियां बनाता है। चाइना की अपनी पॉलिसियां हैं, अमेरिका की अपनी पॉलिसियां हैं, इंडिया की अपनी होगी, पाकिस्तान की तो पुलिसियां ला ला हाफिज है। देखिए पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, दूसरी बात है कि लोग जो ताकतवर देश हैं वो अपनी पुलिसियां बनाते हैं, छोटे देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत उनको कर्जा फराहम करते हैं और चुदराहट काम करते हैं, चुदराहट काम करते हैं। और इसी चीज को ये चाइना को खटक रही थी और आज चाइना प्रो बंदा वहां पे आ गया, तो वो जरूर उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उनके मफाद के लिए काम करे और इस चीज को वो शोर करेंगे। लेकिन इससे देश का क्या नुकसान है, हम तो उस पर बात करेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे कि टूरिज्म तुम्हारा फैल रहा है 30% सिर्फ इंडिया से ही, तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है सिर्फ इंडिया से ही, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है अगर इंडिया से ही, तो फिर तुम्हें एक देश है 5 लाख जिसकी आबादी है, जिसको प्रोटेक्ट भी उसका हमसाया मुल्क कर रहा है, लेकिन वो जाके बैठ जाए दूसरे हमसाये की गोद में जिसको सवाए अपने मुफादात के कुछ और अजीज नहीं है। पाकिस्तान में उसने क्या ऐसा कर दिया चाइना ने, जो आज हम कहें कि जो श्रीलंका में उसने कर दिया या किसी और भी देश में चाइना ने कर दिया, वो कोई और नहीं कर सका। तो भारत एक ऐसा देश है कि जो मदद भी करता है और दूसरा एहसान भी नहीं जतलाते। यहाँ पे मोदी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट, कोई उनकी वजीर खारजा वजारत की तरफ, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एक बयान भी मालदीव के अगेंस्ट एक बयान तक नहीं आया। तो उनके वजीर ट्विटर पे एंटी इंडिया मुहिम चलाए, ये कहीं भी मुमकिन नहीं होता। तो अब इसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली उनको पहुंचना ही पहुंचना है, बल्कि पहुंच चुका है। भारत के लोगों का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि उनका जो अपना एक आइलैंड था जो खूबसूरत भी है, वो हर तरह की सहूलियात भी वहां पे फ्राहम करेंगे, टूरिस्ट उनका वहां पे जाएगा, उनका फायदा हो गया इन सारी चीजों से। और उसके पीछे वजह थी मोदी की चंद तस्वीरें और कुछ वीडियोस, और यही यही करता है एक लीडर, एक समझदार इंसान जिसको अपने देश, अपने मुल्क, अपने लोगों से प्यार होता है उसके फैसलों में, और एक ऐसा लीडर जिसको अपने देश, अपने लोगों और अपने मुल्क के मुफादात अजीज है, उसके फैसलों में यही फ़र्क होता है। तो फ़र्क जानकर जिए, आने वाले टाइम पे जो ये जो चल रही हैं उतार चढ़ाव, कभी चाइना, कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी रशिया, तो हर किसी का अपना एक मुफाद है, वो अपने मुफादात के लिए काम करता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।